आप कहीं भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कैसा भी आपको जी सकता है। अपना बाबूराव साहब जो नौकरी अच्छा करे बोल के हम बताए तो बातों से तो कुछ लोगों को यकीन होता ना होता, कुछ लोगों को शंकर साहब था उसका प्लेस में नहीं आया, 8 महीना हो गया। और जो ऐसे मकान को जगह को पहुंचते वो अपना, और कोई आजकल सारे आप बाय पोस्ट भी पिटीशन दे सकता है इलाके। मैडम मंत्री मेरे माँ और बहनों, मेरे भाई, आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम है कम्युनिटी वो मदद में पब्लिक का आवाम का मदद पुलिस को कैसा रहा, ये आपस में मदद लेने में देने में पूरा आवाम को है, वैसा लोगों के लिए तलाश कर, मगर पूरा हिंदुस्तान में अपना तालाब कट्टा नाम ऐसा हो गया, लोग इतने तारीफ करे अपना तालाब कट्टा आवाम को मैं बयान नहीं कर सकता हूं। इसलिए 500 छोटे 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 नन्हे मुन्ने बच्चे जो कारखाने में काम कर रहा है, जो माँ बाप का गोद में खेलते कूदते रहने का जो उम्र में आके इधर काम करते हुए होश भी नहीं है, वो लोग को थोड़ा बच्चों को अपना माँ बाप को नहीं पहचानने का, माँ बाप को उन्हें खुद एक्शन करके मर सकता है, नहीं तो दूसरों को मार सकता है, मार के अपना जिंदगी खराब हो जाता है। इसके लिए भी वो बच्चों को समझाए, समझ गए, बहुत खुशी की बात है। आप सबको मालूम होगा एक टाइम पे विखारुद्दीन बोल के एक आदमी को एनकाउंटर में मार चुके हैं, उसमें अपना तालाब कट्टा बच्चे, तालाब कट्टा बच्चे कम से कम एक 20 लोग हमारे ऊपर पत्थरबाजी करे, उसमें एक 15 बच्चे माइनर बच्चे हैं, वो लोग ये नहीं मालूम पत्थरबाजी तो क्या होता, मेरे जिंदगी नहीं मालूम। अपना डीसी साहब जो है बड़ा दिल से वो दिल को रखते हुए वो बच्चों को माफ करके केस से निकाल दिया। डिक्टेशन भाई सीसीटीवी कैमरा बोले तो हमारा हुदा बेगम हमारे आंखों में गिर रहा है, हमारे प्यारे प्यारे बच्ची हुदा बेगम हमारा आंखों में गिर रहा है। सीसीटीवी कैमरा की वजह से जो बदतमीज, जो एक माँ बाप का औलाद नहीं है उन्हों दस्तगीर, उसका नाम भी ले ना सकते हम वैसा एक शैतान इंसान को सीसी कैमरे से हम पहचान निकाल कर उसका कर चुके हैं। अपना सबका सामने एक जिंदा मिसाल है एक सुधा बेगम, ये गली को हुदा बेगम बोल के नाम लगा दो, ये गली को हुदा बेगम बोल के नाम लगा देना, ये हुदा बेगम सुनते हुए अपना जितने भी अतराफ नौजवान बच्चा है पूरा एकदम अटेंशन होना चाहिए। सिर्फ सीसी कैमरा से अपना को ये क्लू मिला, मदद मिला। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट अपना पेट्रोल कार से 24 घंटा फिरते रहता है, हर वक्त 10 मिनट के अंदर आपके सामने रहता है, वक्त में जरूरत में तो। नेक्स्ट गुड वर्क पेट्रोल कार, ये स्नैचिंग कैसे बाबा, सिक्योर्ड कन्विक्शंस 2015 में नेक्स्ट देखिए तो बाजू फर्स्ट जो है वो चोर को 3 साल 3 महीने की सजा हुआ, ये रेवोल्यूशन शांत पाजा उसके ऊपर पीडी एक्ट डाले, अमन शांति से सुकून से सोना है उसके लिए हम जान देने की भी रेडी है पुलिस। साथ साथ में आप लोगों के हिम्मत से तालाब कट्टा
हैदराबाद सिटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक जमाने में बहुत गलत नाम था, वो नाम को मिटा कर वैसा नाम रोशन कर दिया आप। अल्लाह आपको सबको अमन शांति से सुकून से सेहत से अच्छा रखे। नेक्स्ट अपना इंस्पेक्टर साहब पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो हुदा बेगम के जो केस में साहब ने बहुत काफी मेहनत की। शायद मैं समझती हूँ कि अगर साहब अगर खुद से अच्छा एफर्ट लगा के अगर काम नहीं करते तो ये सॉल्व होने वाला केस नहीं था। इतनी मेहनत की, 3 महीने के बाद में एक्विटल हुआ, उसके बावजूद भी साहब हमको वादा करे कि जरा हम खुद जाए गए साहब के पास, वहाँ पर फिर बात करें, फिर साहब की जगह फिर मेहनत की अपने अंदाज से और हमको जो ना ये इंसाफ मिला कि कम से कम 3 साल उसको सजा हुई। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि पुलिस का जो फैमिली पुलिस बिहेवियर की वजह से काफी यानी ओल्ड सिटी में चेंजेस आए। जैसा कि अभी साहब बताए शी टीम है जो चबूतरे का प्रोग्राम जो था उसके लिए भी काम करे और काफी कई काम है जो करे हैं जिसकी वजह से काफी जगह मेरे क्षेत्र में लाए साहब काफी हमारे बच्चों जो है ना स्कूलों को जा रहे थे स्कूलों के पास जो काफी है लेके आप रोड लगा रहे थे पेट्रोलिंग वाली गाड़ी में दवाखानों के पास यानी पेट्रोलिंग वाली मैं खुद भी काफी डरती थी मगर जो है ना रात में गाड़ी आती पेट्रोलिंग की एक चक्कर के आगे आती शायद लेते है ऐसी सहूलत। डीसीपी सत्यनारायण साहब आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी बाबर साहब और डॉक्टर समीना मैडम साहबा और हमारे हरदिल अजीज इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव साहब, यानी ये पहला मौका है ये तालाब कट्टा कायम हुआ है 83 में। 83 में मेरा मकान बना, सब यहाँ किचड़ किचड़ था और 83 के बाद से ये पहला मौका है यानी पुलिस आवाम के करीब आ चुकी है आपके मसाइल हल करने के लिए, आपके तकालीफ दूर करने के लिए, आपके मुश्किलात को समझने के लिए पुलिस आपके करीब है। तो मालूम यह हुआ कि पुलिस आपकी हमदर्द है, आपकी मोहसिन है, आपकी तकलीफ दूर करने वाली है। बाबूराव साहब अपने तकरीर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को भी कोट किए हैं। वो दिन हो रात हो सनसेट के दिन बारिश धूप जो भी हो बिकॉज पुलिस वाले हम साथ हमारे साथ रह रहे एंड दे और उनको ये है कि हमारी तकलीफ क्या है उसको पहचान रहे और उसको रूल आउट कर रहे चाहे वो रात की पेट्रोलिंग हो चबूतरा को जो तोड़ना है एवरीथिंग जो भी है वो सब इन्वॉल्वमेंट जस्ट बिकॉज पुलिस इज हेल्पफुल टू अस उन लोगों की मदद है जिसकी वजह से आज वो लड़की की जो जैसी मौत हुई जिसकी वजह से मौत हुई वो इंसान को सजा मिली वो इंसान छूट भी गया था बट बिकॉज पुलिस हमारा साथ दी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करी पुलिस जो भी है जितना भी है उनसे जितनी एंडलेस एफर्ट्स थे वो पूरे उसमें डाल के उसको सजा दी एंड नाउ वो लड़की तो चले गई बट वो छोटी मासूम के दिल से क्या तकलीफ थी वो हम बयान भी नहीं कर सकते उसकी फैमिली को कितना दुख हुआ कितनी परेशानी हुई कितनी अजियत हुई ये सब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लड़की को क्या तकलीफ हुई। 3 साल का सजा गिरा वो अपने को खुशी की बात है लेकिन साथ ही साथ ही वो हुदा बेगम याद आए तो अपने को हम उसी दिन बोले थे उसको हम नहीं छोड़ते हम अपने हिसाब से इंसाफ करने के लिए हमारी आंखों से देखा है सर्कल साहब भी 24 आवर्स थे बाबूराव साहब और एसीपी साहब जो सब थे टू व्हीलर पे मैंने आज तक कोई ऐसे ऑफिसर को नहीं देखा जो किसी केस के लिए इतना घूम रहे थे जो बाबूराव साहब जो है पीछे बैठ के 2 दिन तक मैंने उनको देखा है क्योंकि मैं ये इसलिए सब बोल रहा हूँ ये मेरे आँखों देखा है और साहब डीसीपी साहब बोले थे कि मैं बहुत कुछ करूँगा इमीडिएट एक्शन लूँगा उनके साहब 3 दिन में रिजल्ट आ गया है और दूसरी चीज़ जो केस फाइल हुआ है सालों महीने लग जाते हैं केस के। आज
ये मीटिंग क्यों रख दिया आपको मालूम है। ये मीटिंग को आने वाले स्टेज पर उपस्थित डॉक्टर समीना को, समीना जी को और हमारा बाबूराव साहब को, इंस्पेक्टर लोगों को, टीम और सारे भाइयों और बहनों और नौजवान बच्चों और उगड़ा बेगम का फैमिली को, सबको मैं तहे दिल से सलाम अलैकुम बोल रहा हूँ। इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गोश्त करने के लिए हर एक दिन जाते थे। आधा किलोमीटर सेफ्टी में अपने फैमिली को पहुंचने के लिए हम सिक्योरिटी नहीं दे सका। अरे 35-40 लाख सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरा सौजून में हर एक एरिया में रखना हमारा जिम्मेदारी, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ कमी हो गया इसीलिए इतना स्टेशन के अंदर आज एक पुलिस स्टेशन मीटिंग हुआ। भवानी नगर इंस्पेक्टर उनके टीम यहाँ उड़ा बेगम का रिश्तेदार और डॉक्टर समीना उनके टीम मिलकर एक मुजरिमीन क्रिमिनल को आज 3 साल सजा देने के लिए, ये सजा मिलने के लिए जो कोशिश करा इंस्पेक्टर को, उनके पूरा टीम को फेलिसिटेट करने के लिए आज यमन नगर में ये मीटिंग हुआ। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है योड़ा बेगम का। आजकल भी हम लोग बहुत सोचते कि क्योंकि एक मासूम लड़की को सिक्योरिटी नहीं दे सका, ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक आदमी को इंडिविजुअली सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, 40 लाख लोगों को, लेकिन ऐसा मोहल्ला, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा मर्डर्स नहीं होने के लिए, कोई क्रिमिनल ऐसा मर्डर्स नहीं करने के लिए एक गंभीर वातावरण एटमॉस्फेयर हम रखना चाहिए। हम रख रहा हूँ कारण सच्ची ऑपरेशन ईडी एक्ट, इसी तरफ सख्ती एक्शन से हम आगे बढ़ रहा है। इसी मासूम बच्ची के तरफ मर्डर्स साउथ जोन में नहीं होने के लिए ये सारे लोग को दिखाने के लिए हम कोशिश कर रहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिटी कोर्ट में हमको सजा मिला नहीं, टेक्निकल रीजंस में एक्विटी हो गया। लेकिन दस्तगिरी जो उड़ा बेगम मासूम बच्ची को मर्डर कर दिया, उनको जिंदगी भर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल पनिशमेंट देने के लिए हम हाई कोर्ट को अपील कर गए। जरूर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा। मीनवाइल ये बाहर नहीं आने के लिए अगर कितना गुस्से है बच्चों के, नौजवानों को और औरतों के मन में, अगर दस्तगीर मिल जाएगा तो वो मारते थे, मर्डर करते थे, लेकिन हम उनको ये मौका दिया नहीं, क्योंकि उन लोगों को सताना, उनको अरेस्ट करना कोई ज़रूरत नहीं है। जो कानूनी अदालत से उनको पक्का पनिशमेंट होने के लिए हम हार्डवर्क कर रहे हैं। हॉनरेबल हाई कोर्ट जरूर कोर्ट में हम ये दस्तगिरी को जरूर सजा दे जाएंगे, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी जाएंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। मीनवाइल जो 3 साल रखने के लिए सजा रखने के लिए जिंदगी जेल में रखने के लिए जो इंस्पेक्टर भवानी नगर उनके टीम हार्डवर्क कर दिया, 3 महीने में पूरा चार्जशीट करके ट्रायल करके 3 साल इम्प्रिजन मिलने के लिए वो बेहतरीन काम कर दिया।
इसके लिए सारे लोग, सारे एनजीओस, सभी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरा क्रेडिट इंस्पेक्टर भवानी नगर उनके टीम को मिल जाएगा। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट आने के बाद और एक बार यहाँ सभी लोगों के साथ मिलकर इसी तरह एक्शन करेगा तो वो अदालत, कानून, पुलिस नहीं छोड़ेगा। इसे एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। चबूतरा मिशन, गार्डन सच्चा ऑपरेशन, पीडी एक्ट हम क्यों कर रहे हैं? किसी के ऊपर हमको कोई एनिमिटी नहीं है, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, किसी को परेशान तकलीफ नहीं करने के लिए नहीं है। इसी तरफ मर्डर्स नहीं होना चाहिए, इसी तरफ मर्डर्स में नई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वो जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि तस्कर के क्या हो गया, एक मासूम बच्ची को मार दिया, ये भी जिंदगी खत्म हो रहा है जेल में। सो इसी तरफ नहीं होने के लिए हम इसी तरफ रिफॉर्म्स ले रहे हैं। और एक बार मैं तहे दिल से उनको भवानी नगर पूरा पुलिस टीम SHO जानिब से उनके टीम को और एक बार अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जो समीना, डॉक्टर समीना और उनके टीम और उड़ा बेगम का पूरा परिवार यहाँ लोगों को जो मदद कर दिया, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।